तो भाई आप इस लौंडे का जिगरा देख रहे हो यार, इसकी बाइक पहले ऊपर अटक जाती है, फिर हम लोग इसकी बाइक पे अपनी गाड़ी दे मारते हैं। उसके बाद भी भाई इसका जिगरा देखो यार, बाइक लेके फरार होने की ट्राई कर रहे हैं यार। भाई सलूट है इसके जिगरे को यार। तो भाई लोग कैसे हो, तो स्वागत है आपका पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। तो वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम। तो शुरू करते हैं अपनी एक बकवास कमेंट्री। तो हम उतर रहे हैं स्कूल में, जिसमें नंबर वन भाई हमारे केस्टो कास्टू, पता नहीं क्या नाम लिखा है इन्होंने यार, समझ नहीं आ रहा, लगता है केस्टू भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो हम उतरे स्कूल में और मिली हमें सस्ती सी लूट, और मेरे बंदे ने एक बोट मार दिया यार। जब कोई मेरा टीममेट बोट मारता है भाई, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भाई एक किल मेरे को नहीं दे सकता वो, पर यहाँ पर लूट मिल रही है मेरे को एक एम, और अब मैं भी बंदों को ठिलाऊंगा। तो चलते हम अपनी रजोक की घाटी पर। तो अब जैसे ही मैं रजोक की घाटी पर पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि रजोक में क्या हालचाल चल रहे हैं, तो पता लगता है यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर कोई नहीं आया तो मैं आ गया, तो अब टाइम पास ही हो गया यार। इस मैच में किल तो निकलेंगे नहीं यार, क्योंकि कास्टू भाई हमारे साथ खेल रहे हैं, तो सारे किल वही निकालेंगे, पर थोड़ा बहुत तो निकालेंगे यार, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो अब मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, गाड़ी उठाएंगे, फिर उसके अंदर गाना चलेगा सिद्धू मूसे वाले का। जो उन सा गाना है उसे मैं ज़्यादा लंबा चला नहीं सकता, क्योंकि उस पर मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा सिद्धू मूसे वाले का। और यार पहली मेरे को इनकम नहीं होती यूट्यूब से, तो घंटा इनकम होगी। तो केस्टू भाई मेरे साथ बैठ चुके हैं, अब हम सीधा रश करने जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहो यार, अगर लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार, बस 10 लाइक कर देना यार, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे 10 लाइक बस। और सब्सक्राइब करना कर दो यार जल्दी से, 1000 होने वाले हैं यार। सामने प्लेयर है, उस पर चलते हैं हम, बंदों को ठिलाएंगे। यहाँ पर बंदों को ठिलाने के चक्कर में मैं खुद ठिल जाता हूँ, और मुझे केस्टू भाई पर बहुत भरोसा है, वो इस क्लच को निकाल देंगे। तो उन्होंने इस क्लच को निकाल दिया है, और अब हमें बचाएंगे, स्मोक कर देंगे पहले भाई साहब, फिर हमें बचा लेंगे। और जो से हमारे नंबर 3 हैं, ये पता नहीं कहीं भाग रहे हैं यार, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है भाई, तुम लड़ो मरो सड़ो जो मर्जी करो यार, मैं तो अपना सेफ खेलूँगा, गाड़ी घुमाई जाऊँगा बस। पर वो भी आ चुके हैं हमारे पास। अब रिवाइव होने के बाद थोड़ी बहुत लूट उठाएंगे, फिर चलेंगे रश करने। अभी मेरे 0 किल है, और अभी देखना तुम्हारे भाई सबसे ज़्यादा किल करेगा। यहाँ पर सस्ती लूट उठाने के बाद तभी एक बोट का फायर आता है, तो भाई मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि भाई एक किल मिलेगा। और इतने में देखता हूँ मेरे बंदे भी पीछे से डीपी चला रहे हैं यार, यार एक बोट का किल भी लेने नहीं देते, पर कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, किल तो मैंने ले लिया है, और अब आगे रश करने चलते हैं। मैं पिछले 5 मिनट से इन्हें कह रहा हूँ गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, पर गाड़ी में बैठते ही नहीं भाई, पता नहीं ऐसा क्या लूट रहे हैं यार, समझ ही नहीं आता मेरे को भाई, बहुत ही दिक्कत आ जाती है इस मैच में यार। इनको बैठने को कहते हैं गाड़ी में बैठते ही नहीं, तो बड़ी मुश्किल से लोग गाड़ी में बैठते हैं, फिर हम आगे चलते हैं रश करने। और अब तुम्हारा भाई यहाँ पर डाशिया का स्टंट दिखाएगा, तो इस स्टंट को ज़रूर देखो। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टंट, अगर अच्छा लगा तो भाई एक लाइक ज़रूर ठोकना यार इस स्टंट के लिए, तुम्हारा भाई ऐसे स्टंट हर मैच में करता रहेगा। और तुम लोग यकीन नहीं मानोगे कि हमें इस मैच में बंदे मिले भी या नहीं, भाई बहुत मुश्किल से, भाई बहुत मुश्किल से लास्ट में बंदे मिलेंगे, उन्हें भी बड़ी मुश्किल से मार पाएंगे यार। तो हम अभी जा रहे हैं अपना सस्ता सा ड्रॉप लूटने, जिसमें हमें थोड़ा बहुत सस्ता सामान मिल जाता है कई बार, तो देखते हैं ड्रॉप में क्या मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी कमेंट्री अच्छी लग रही है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, और बकवास लगेगी तो यार डिसलाइक मत करना यार, बहुत मुश्किल से यार करता हूँ कमेंट्री ऐसी।
ड्रॉप में महंगी वाली शॉटगन पड़ी थी DBS, तो मैंने उठाई नहीं यार, क्योंकि DBS से अच्छी तो यूजी और AKM ही है यार। और अगर आपको हाई किल वाला गेम प्ले चाहिए, जैसे कि 50 किल 60 किल, तो ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भाई ESP नहीं है यार। मेरे को भी ESP चाहिए बड़े बड़े यूट्यूबरों की तरह। कुछ भी अरे यूट्यूबर तो यूज ही नहीं करते, अरे भाई हैकरों की तरह। हाँ, जो से हमारे हैकर हैं वो ESP लगाते हैं तो ज़्यादा किल करते हैं, ज़्यादा KD बनाते हैं, तो मुझे भी चाहिए यार ESP। तो भाई यार कोई डिस्क्रिप्शन करो, कमेंट में यार बता देना यार, किसी पे सस्ता ESP पढ़ो। तो मेरे पे ज़्यादा पैसे नहीं है यार, 10 रुपये में कोई दे देगा ESP तो मैं ले लूँगा यार, इतना अफोर्ड कर सकता हूँ मैं 10 रुपये का, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब आगे देखना कि यहाँ पर दो दो बाइक वाले कैसे बाइक घुमा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर धूम 4 की शूटिंग चल रही है यार, अब यहाँ पर धूम 4 बन के ही रहेगी मेरे ख्याल से। तो पर ये बाइक वाले थोड़े कमज़ोर आदमी निकलते हैं, क्योंकि इनकी बाइक टकरा जाती है दीवार से और आर पार हो जाएगी भी बाइक इनकी। तो अभी इनको ठिलाते हैं पहले। और अब इन दोनों बंदों को मार दिया है, और आप सामने बाइक देख सकते हैं कि किस ढंग से बाइक लगी हुई है यार। कमाल करते हैं यार पबजी वाले भी, क्या ही ग्लिच है यार इस पबजी में। तो बस यार वीडियो को देखते रहो यार, अपनी बकवास कमेंट्री मेरी चलती रहेगी यार, बस इग्नोर करते ना यार कमेंट्री को, ज़्यादा सीरियसली मत लेना यार, क्योंकि मुझे कमेंट्री करनी आती नहीं यार, पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आती नहीं भाई कसम से। और अब ये बाइक वाले पता नहीं क्या ही कर रहे हैं यार, अब इनके पीछे भागना पड़ेगा मैं। तो भाई आप इस लोंडे का जिगरा देख रहे हो यार, इसकी बाइक पहले ऊपर अटक जाती है, फिर हम लोग इसकी बाइक पे अपनी गाड़ी दे मारते हैं, उसके बाद भी भाई इसका जिगरा देखो यार, बाइक लेके फरार होने की ट्राई कर रहे हैं यार। भाई सलूट है इसके जिगरे को यार। तो अब हमारे ऊपर एक गाड़ी का पुश हो जाता है, तो हमारे टीममेट बहुत बहादुर हैं काष्टू भाई, ये मार देंगे बंदों को। भाई अब तुम जो उनसे डासिया वाले बंदे देख रहे हो, तो अभी देखते रहना इनकी हरकत को, देख के तुम्हें बहुत हंसी आने वाली है। तो भाई देखा यार कैसे तुम्हारे भाई ने अकेले दोनों को निपटा दिया। तो मुझे नहीं पता यार इन्होंने इधर आके अपनी गाड़ी क्यों ठोकी, वो उधर से आगे को भाग सकते थे या फिर आगे घर पर रोक सकते थे, फिर हमें मार सकते थे, पर नहीं यार इन्होंने रश करना था। और अभी यहाँ पर एक बंदा बचा हुआ है यार, वो बहुत दिक्कत देगा। तो हमारे 4 नंबर भाई नोक पड़े थे, तो इन्हें रिवाइव देना पड़ेगा। और अभी 7 बंदे बचे हैं, जिसमें से 4 हम हैं, तो मतलब 3 बंदे बचे हैं, एक हमारे आसपास है और 2 कहीं और मेरे 5 किल है। और आपको अभी बता देता हूँ, मेरे 5 ही रह जाएंगे, अब 5 से आगे एक भी नहीं बढ़ेगा। तो मेरे को अब वो 2 बंदे दिख चुके हैं जो अलग स्कॉट के बंदे हैं, अब उन्हें मारना पड़ेगा यार। ट्राई करूँगा यार पट से हेडशॉट मारने का। अब जो यहाँ पर एक घासों में सांप बना हुआ था, तो इसे हमारा 3 नंबर भाई आसानी से मार देता है। और अब आखिरी 2 बंदे बचे हैं जिन्हें मैं पट से हेडशॉट बार बार दे जा रहा था, पर वो नॉक नहीं हो रहे थे यार। अब वो लोग हमारे पे रश करेंगे और हम लोग उनके ऊपर रश कर देंगे। No,
अब उन दो बंदों में से एक बंदा नोक पड़ा है और एक पत्थर के पीछे लुका हुआ है। तो भाई अब तुम्हारा भाई ग्रेनेड की बारिश करने वाला है, पर तुम्हारे भाई के सस्ते ग्रेनेड एक भी नहीं लगते उनके ऊपर यार। तीन ग्रेनेड थे, तीनों गेर थे तुम्हें उनके ऊपर, पर एक भी नहीं लगता यार। मेरा टीममेट एक ही ग्रेनेड मारता है और दोनों खलास। तो आपको गेम प्ले कैसा लगा यार? यहाँ पर मैं दिखा दिया 5 किल यार, मेरी 5 किल है क्या, और किसी की नहीं हुई? तो यार कमेंट में बता देना गेम प्ले कैसा लगा, और बकवास कमेंट है यार, गेम प्ले तो बकवास ही था। और लाइक कर देना यार, 10 लाइक चाहिए बस। और सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर दो बस। तो मिलते हैं भाई एक और बकवास कमेंट के साथ। बाय बाय।